अगर चाइना को लड़ना होता तो अब तक लड़ लिया होता। किस चीज का, किस मुहूर्त का, हमारे तो मुहूर्त देखा जाता है, अच्छे दिन सितारे देखे जाते हैं, किस सितारे का जी जिनपिंग इंतजार कर रहे हैं। वी आर डोमिनेटिंग पेंगोंग त्सो लेक। इफ चाइना वॉक्स द टॉक डिसएंगेजमेंट विल हैपन, इफ दे डू नॉट इट विल नेवर हैपन। एंड इससे एक और चीज ये भी सिद्ध होगी, वी हैव गिवन पीस अ चांस। और मुझे बताइए अफजल जी, चाइना को मिला कि एक इंच जमीन तो ले नहीं पाए, जो उनका परसेप्शन था मिलिट्री पावर का, कोई हमारे सामने जी खड़ा नहीं हो सकता, हम खड़े हैं आपके सामने खड़े, क्या कर लिया जी आपने हमारा, जमीन आप लेने पे पॉलिटिकली आपने क्या जीता। अगर आप 8 किलोमीटर पीछे जाते हो 15-20 साल के बाद, आपने 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यू हैव लॉस्ट दैट टेरिटरी विच यू लिटरली कंट्रोल। तो आई डोंट नो व्हाट चाइना इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट एंड वेयर द अप्रिहेंशन इज। अगर यही बहुत अच्छा होता, अगर यही राहुल गांधी जी राजनाथ सिंह जी से मिलते, 1-to-1 समझते, और बहुत सी डिटेल ऐसी आ जाती जो मुझे नहीं पता, और मुझे पता होनी भी नहीं चाहिए कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मुझे कहां से पता होगा, और होनी भी नहीं चाहिए। और ये जितनी भी कैलकुलेशन है जनरल्स और जो कमांडर्स है आपस में करते हैं, हर एक चीज का हिसाब किताब होता है। और ये हमें ना ट्विटर से डर लगता है, ना अमेरिकन मल्टीनेशनल से डर लगता है, ना कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी ट्विटर पे गए उससे हमें डर नहीं लगता। हमें डर लगता है केवल एक चीज से, जब एक फेक न्यूज फैलाई जाती है, जब ये हजार हैंडल समाज में जो शांति है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो सामाजिक ताना बाना है, जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फेक न्यूज फैला के, गलत खबरें देके, लोगों को कह के भाई जाओ आप लड़ो, जाके आप दिल्ली की सड़कों पर नाश कर दो, तांडव कर दो, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ो। देखिए सबसे पहला गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना। हमने ट्विटर को बैन करने की बात नहीं की, जिस हैंडल से प्रॉब्लम हो रही है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन रहा है। देखिए हमारा इतना बड़ा मीडिया है, आप 9 बजे आती है, प्राइम टाइम पे आती है, मैं जाता हूँ, लाइव चलता है जी, करोड़ों लोग देखते हैं। अगर आपको पाकिस्तान से बुलाएंगे तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव रखोगे, सीधी सी बात है, कोई बात नहीं। किसी को कनाडा से बुलाते, किसी को अमेरिका, आप अपनी बात रखिएगा जी। अगर आरजू काजमी को 9 बजे के प्राइम टाइम पे हम बुलाते और कहिए खुला बोलिए, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव शो जा रहा, करोड़ों लोगों में जा रहा है, इंडिया में जा रहा, आउट ऑफ इंडिया जा रहा, और फिर सोशल मीडिया पे अलग चलेगा, जब हम उसकी हमारे आजादी है, तो किसी को ब्लॉक करने की, किसी से डरने की तो बात ही नहीं है। हमारा मीडिया तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, ए भी दिखाता, बी भी दिखाता, अब लोगों को डिसाइड करना होता वो किस तरफ है। और आपने चाइनीज ऐप्स की बात की थी, देखिए आजू जी इस पर पूरा डिस्कशन हो सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। चाइनीज जो एप्स थी वो मेटा डाटा इकट्ठा कर रहे थे, चाइनीज का जो एआई का सुप्रीमेसी का डोमिनेशन का जो ड्रीम था वो मेटा डाटा से पूरा होता। चाइनीज एप्स को बैन करने का मतलब है मेटा डाटा उनके पास जाना रुक गया, चाइनीज 5G को बैन करने का मतलब है वो डाटा, मेटा डाटा उनके पास कहीं नहीं जा गया। और ये जो एआई का सारा बिजनेस है, अगर इसमें रियल टाइम मेटा डाटा अपडेट ना हो, ट्रिलियंस ऑफ गीगाबिट्स ऑफ डाटा अपलोड ना हो, एआई बिकम्स यूजलेस। जो चाइनीज ड्रीम था टू बिकम अ एआई सुपर पावर, विद दिस ब्लॉकेज ऑफ एप्स वो जो मेटा डाटा एक्वायर वो कर रहे थे वो सारा खत्म हो गया। आई कैन गिव यू इन राइटिंग बीइंग अ टेक्निकल पर्सन आल्सो, नाउ चाइना कैन नेवर बिकम अ एआई सुपर पावर, वी हैव शैटर्ड दैट ड्रीम्स। और अगर आप इसका लॉस देखेंगे आरजू जी, ओवर पीरियड इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर आज चाइना पीछे हट रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कोरोना के पीक में उन्होंने हिमाकत शुरू की थी, आज उनके हाथ क्या लगा, मैं आपको बता रहा हूँ गलवान में कितने लोग मरे जी जिनपिंग के, वो तो नहीं बता रहा। अमेरिकन इंटेलिजेंस मोसाड और फ्रेंच जो कह रहे 135 लोग मरे, हमारे 20 भाई शहीद हुए थे, हमने उनको स्टेट फ्यूनरल दिया आरजू जी, उनके नाम है, उनको भी अवार्ड भी मिला, कर्नल बाबू को भी अवार्ड भी मिला, मैं घर हुआ उस पे। बट जो चाइना के लोग मरे, जो चाइना का सिपाही मरा, उसको तो कोई नहीं जानता वो कौन था, कितने थे ये तो बताओ। और डिप्लोमेसी में जो वैक्सीन डिप्लोमेसी करे उसमें भी हम बहुत आगे निकल गए, कल तक 22 कंट्रियों को आरजू जी वैक्सीन जा चुकी है, 23 मिलियन डोज जा चुके, 70 लाख लोगों को इंडिया में वैक्सीन लग चुकी है, 64 कंट्रीज की लिस्ट है मैडम जिन्होंने हमें वैक्सीन के लिए अप्रोच किया। उस जो मैंने आपको 23 मिलियन डोजेस बताया उसमें से करीब 20% कंट्रियां ऐसी है या 20% ऐसा वैक्सीन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया हमने, आप हमें बताइए। तो अब चाइना को इससे मिला क्या, अब उनके लिए बैकआउट करने के अलावा मुझे नहीं लगता कोई तरीका। हाँ बट देखिए राजनीति है, अपोजिशन है, हर एक को रोटियां सेकनी है जी, तवा गर्म है रोटी सेक लो,
कुछ ना कुछ बोल लो, पर ये चीजें जो है ना अर्सु जी, ये लॉन्ग रन में अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी खराब करती है। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन समीर जी एक चीज और है, वो ये कि कहां तक आप चाइना के साथ लड़ पाएंगे, क्योंकि चाइना एक स्ट्रांग इकोनॉमी है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जाकर इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है आपस में उसको टेबल टॉक के जरिए जो है वो आपको खत्म करना चाहिए। हमारा पॉपुलेशन साइज सेम है, हमारा मिलिट्री का स्ट्रक्चर सेम है, लड़ाई है इकोनॉमी से नहीं, मिलिट्री से जीती जाती है। हमारी मिलिट्री और चाइना की मिलिट्री सेम है, हमारे पास नेवी में सुपीरियरिटी है, हमारे पास हिमालयन रेंज में वी आर मच सुपीरियर। और आप एक और चीज देखेंगे, अभी अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, रोजवेल्ट और रोनाल्ड रेगन और अभी निमिट्स ने स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान पे 5-8 दिन पहले चक्कर भी काटा, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये स्ट्राइक ग्रुप है आरजू जी, स्ट्राइक ग्रुप का मतलब इसके साथ सबमरीन, रिकॉग्निशंस एयरपोर्ट, फ्रिगेटर, डिस्ट्रॉयर सब चलते हैं। अगर 3 बड़े जंगी बेड़े, जो इनको मैं उर्दू में बोलूंगा, अगर 3 बड़े अमेरिका के जंगी बेड़े साउथ चाइना सी में है, यहाँ इंडिया खड़ा है और यहाँ अलाइड फोर्सेस खड़ा, मुझे बताइए अगर चाइना को लड़ना होता तो अब तक लड़ लिया होता। किस चीज का, किस मुहूर्त का, हमारे तो मुहूर्त देखा जाता, अच्छे दिन सितारे देखे जाते हैं, किस सितारे का जी जिनपिंग इंतजार कर रहे हैं। आए तो थे जमीन लेने, लेके तो कुछ नहीं गए, 1 इंच तो ले नहीं पाए 10 महीने से, वो गलवान की पहाड़ियों में क्या चूहे गिन रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं। अगर आप, आपका एक प्लान तो एग्रेशन था, कर तो पाए नहीं आप। देखिए हमें, हम शांति चाहते हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड पीस। हमने आप हमारे आए, हमने आपको रोका, आप घर जाइए। अब तो उनको, मुझे तो लगता है यही समझ आ गया आरजू जी, घर जाओ नूडल खाओ, यही उनको समझ आ रहा है। घर जाने की तैयारी करें, टेंट तंबू हटा रहे, हट जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जाएंगे तो हम भी तैयार है। 10 महीने से तो देख लिया, एक जो परसेप्शन था ना आरजू जी चाइना को लेके, भाई चाइना के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, चाइना विल डिसमेंटल, कहाँ है वो परसेप्शन, कहाँ है वो चाइना, कहाँ क्या कर पा रहे हो आप, मुझे बताइए आपने इंडिया का क्या कर लिया इतने टाइम में। हम लड़ाई किसी से नहीं चाहते, वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, कोई भी, जब तक आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, हमें कोई दिक्कत नहीं। और आप बिल्कुल ठीक, होना तो यही चाहिए कि आप अपनी जगह स्ट्रांगली खड़े रहें। लेकिन एक चीज और है सुमित जी, जो कि सोशल मीडिया पर भी मैंने पढ़ी थी और वैसे भी 2-4 लोगों से मेरी बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि ये फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा असल में कुछ आपके लोग भी हैं वहां पे, जाहिर है कि आप, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उन्होंने कहा क्योंकि ये जो है कोरोना भी हैंडल नहीं हुआ ठीक से मोदी सरकार से, और उसके साथ साथ चाइना में का इशू भी चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी ये फार्मर प्रोटेस्ट चलने तो सारा मीडिया इसके पीछे लगा रहेगा, क्योंकि अगर ये हट गए तो फिर मीडिया ने कोरोना शुरू कर देना है या चाइना शुरू कर देना है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो पा रही, तो उसको छुपाने के बजाय, उस चीज को पीछे कहीं कबर्ड में डाल देने के बजाय, क्यों गवर्नमेंट आपकी कोशिश नहीं करती कि उस चीज को सही से हैंडल करे, ताकि लोग उनके ऊपर ब्लेम ही ना लगाए। ये तो मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहती हूँ, हमारी गवर्नमेंट की भी यही आदत है, कोई चीज बताओ तो वो उसको छुपाने के चक्कर में कोई दूसरी बेकार सी न्यूज सामने ले आते हैं। दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन सबसे पहले हमने बनाई, रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं, 23 मिलियन डोजेस मैडम शिप कर चुके हैं और 40-45 कंट्रियों की अर्जियां पेंडिंग है, शिप कर रहे हैं, 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, 8 वैक्सीनें बना रहे हैं, 2 तो आ गई, 6 और पाइपलाइन में, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। सबसे कम पर मिलियन डेथ रेट इंडिया में है, सबसे कम इन्फेक्शन रेट अभी इंडिया में है। तो अगर इसके बाद भी बताए कोई कि हमने कोरोना को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, उनका परसेप्शन है या उन्हें इस दुनिया में नहीं रहते या राजनीति इतनी बड़ी हो गई कि सच या फैक्ट नंबर नहीं दिखते, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। जब हम कोरोना आया था, 1 PPE एक मास्क नहीं बनता था, अब मिलियंस में PPE और मास्क पर डे बनते हैं, हर कंट्री को एक्सपोर्ट होते हैं, कितनी 170 कंट्रियों को हमने HQ भेजा, पाकिस्तान में भेजा और काफी 30-40% कंट्रियों को फ्री भेजा, अभी 20-25% कंट्रियों को तो हमें वैक्सीन फ्री भेज रहे हैं। आपको आरजू जी, आपने देखा डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, उसने कहा कि आई नेवर थॉट गॉड विल हियर माई प्रेयर सो फास्ट, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री है, मेरी इतनी आबादी है, मुझे कौन भाई वैक्सीन दे रहा, और हमने उनको वैक्सीन दी। उसने कहा इस वैक्सीन से मैं अपनी पूरी आबादी को, छोटा सा कंट्री है, को बचाऊंगा। मैंने मोदी जी को लिखा, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। ये है दुनिया का, हमारा जो हमारा दुनिया का रेस्पॉन्स मिला। और एक बार बताइए आरजू जी, अगर हम चाहते हैं, अगर और कोई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और कई कंट्रियां होती, अभी तो मौका था मैडम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने का, अभी तो कमाई करने का मौका था, सस्ती वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन कौन देता है, हम देते हैं और जो मांगता उसको देते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं है, बांग्लादेश को भी दी, UAE को भी दी, मस्कट को भी दी, क्रिश्चियन को भी दी, अफ्रीकन को भी दी, हर एक को दी, जिसने मांगा हर एक को दी। और ये हमारी फिलॉसफी वासुदेव कुटुंबकम, और एक सर्वे संतु निर्मलम,
इसका मतलब है कि देयर शुड बी नो डिजीज इन द वर्ल्ड। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर से एक लाइक दे दें और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जोर से दबा दें। जय हिंद।